तो ये गाइस क्या हाल चाल, स्वागत है आपका एक और नए गेम प्ले, ना गेम प्ले नहीं है आज के वीडियो में, मतलब गेम प्ले भी है लेकिन बाद में है, पहले एक ज़रूरी बात करनी है। तो भाई देखो, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लाइट लाने का एक ही चीज़ हमें मिला, मतलब एक ही ऑप्शन जो कि हमें पबजी मोबाइल लाइट हेल्पर भैया से पहली बार दिखा, मतलब पहली बार उनके वीडियो में दिखा, उसके बाद लॉयन भैया की वीडियो में दिखा, उसके बाद डीजे भैया की वीडियो में दिखा, मतलब सबकी वीडियो में देख के हम बिल्कुल अच्छे समझ गए और आज हम भी इस पर वीडियो ले आ रहे, क्योंकि भाई देखो जितने ज़्यादा लोग करेंगे पबजी मोबाइल लाइट के लिए जी मेल और ये जो ट्रिक है, तो उस तरह ज़्यादा चांसेस है कि पबजी मोबाइल लाइट आए। तो भैया जो ट्रिक है वो कुछ ऐसी है, अब BGMI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ कुकीज़ वुकीज़ देगा हमारा क्राफ्टन भैया, और कुकीज़ लेने में क्या हर्ज, तो आप कुकीज़ लेने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे, एक बार नहीं होगा तो दो बार क्लिक करना, और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट अस वाला फीचर खुल जाएगा ना सपोर्ट वाला। और अब आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा, आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ईमेल एड्रेस है उसे मैं पहले ही कर चुका हूँ। और अब आप यहाँ पे रैंडमली कोई भी ईमेल एड्रेस मत डालियो, अपना जो ईमेल एड्रेस है वो डाल दियो, और उसके बाद सेंड सिलेक्ट प्लेटफॉर्म जो है हमारा वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड्रॉयड, और उसके बाद हमारे जो नीचे इशूज़ दिख रहे हैं वहाँ पे आपको एटसेट्रा वगैरह जो है इवेंट्स एंड एक्सेट्रा एटसेट्रा उस पर क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज लिखना है। अब मैसेज है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसे कॉपी नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा आलस वालस आ रहा है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, सर प्लीज़ ब्रिंग पबजी मोबाइल लाइट और BGMI लाइट बैक इन इंडिया बिकॉज इट इज़ हैविंग अ गुड ग्रोथ इन इंडिया एंड वी ऑल और मैनी प्लेयर्स लाइक टू प्ले इट, प्ले पबजी मोबाइल लाइट और BGMI लाइट, ऐसा ही कुछ आपको मैसेज लिख देना है, ओके। और ये सब करने के बाद आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, मतलब नहीं होगा सॉरी, आपको यहाँ पे अटैच फाइल्स में क्लिक करना होगा, और ये जो फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके पेस्ट कर देनी है, मतलब लगा देनी है, और वो लगाने के बाद आपका यहाँ पे तो काम हो जाएगा, लेकिन अब आपको खोलना है अपना जीमेल वाला बॉक्स। और जीमेल वाला बॉक्स जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब नहीं होती अच्छी चीज़, ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन आपको सीखना चाहिए कैसे यूज़ करना है। तो अब देखो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, और अब भैया जिनको फोटो लगाते नहीं आता उनको ये मैं बता दूँ, आपको फाइल्स पे क्लिक करना पड़ेगा, रिसेंट में आपको डाउनलोडेड मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो जो ऊपर तीन डॉट है उस पर क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपना फाइल लगा सकते हो, और वो लगाने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्राफ्टन भैया को लग रहा है कि हम रोबोट है और हो भी सकते हैं, लेकिन अब हमें ये वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, अब हमसे पूछेगा सीधा गधा कौन है, पता नहीं यहाँ पे गधा दिया है कि रेनडियर क्या दिया है, नो आइडिया, लेकिन अब सीधा गधा जो है उसे मैं क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो गया और सबमिट भी हो गया मैसेज, और ये मैसेज सबमिट होने के बाद आपको ज़्यादा कुछ, मतलब बहुत कुछ अभी करना बाकी है, ज़्यादा कुछ क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जीमेल खोलना है, और जीमेल खोलने के बाद आपको वहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा नीचे साइड में, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा खुल जाएगा इंटरफेस, और यहाँ पे आपको अपना जीमेल ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीचे आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वाला जो gmail.com आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जीमेल एड्रेस या फिर ईमेल एड्रेस वो आपको यहाँ पर डालना है, और मेरे को यहाँ पे मिल जा रहा है क्योंकि मैं पहले ही डाल रखा था, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट में क्लिक करना है और वहाँ पे भैया बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लाइट लिख देना, और वो लिखने के बाद आपको कंपोज ईमेल पे क्लिक करना है, और जो मैसेज डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे कॉपी करके या फिर आप खुद लिख सकते हो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लाइट को ले आओ, ऐसा ही कुछ भी मैसेज, और आपका काम हो गया, मतलब अभी नहीं हुआ, आपको ऊपर एक दिख रहा होगा डॉट टाइप का, मतलब ये वाला ऑप्शन मैं थोड़ा सा मार्क कर दिया उसे, और इसे क्लिक करने के बाद जो पहले आपने फोटो डाली थी वही फोटो वहाँ पर डालना है, एंड देन भैया पोस्ट कर दो, और पोस्ट करने के लिए ट्रायंगल वाले वो जो है मार्क उस पर क्लिक करना पड़ेगा, और अब आपका काम हो गया। तो भैया अब ये काम तो हो गया, तो चलते अब डायरेक्ट गेम प्ले में, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी वाले मैच की बात करें तो इसी वाले मैच में भैया ऊपर, मतलब ऊपर पहाड़ी रहती है वहाँ पर हो रही रहती है फाइट, और हम आगे फाइट पार्टी करते हैं, और मेरे को पहले ये बंदे को मारना चाहिए था, अगर मैं ऐसा करता तो शायद यहाँ मेरा एक किल छोड़े नहीं होता, लेकिन अभी मेरे को लग रहा था कि सारे बंदे खत्म हो चुके हैं, लेकिन तभी भैया मेरी नज़र जाती नीचे वाली गाड़ी पे, और नीचे गाड़ी देखते हैं मैं समझ जाता कि भाई नीचे अभी और बंदे हैं, और वो समझने के बाद मैं यहाँ पे भैया M4 वगैरह का 6x स्कोप एडजस्ट करता और नीचे भाई स्कोप खोल के बैठ जाता। अब ये बंदे को मारने के बाद मेरा मोरा बिल्कुल हाई हो जाता है, और भाई मैं अपने गन पर रिलोड करता हूँ, फिर ये बंदे के ऊपर चढ़ जाता,
अब यहाँ पे मॉली ना होती तो ये बंदा वापस स्मोक में चला जाता और शायद तक मेरे को मार भी लेता, लेकिन यहाँ पे मॉली आखिर में मेरे को काम आ गई। और अब यहाँ पे हम ये दोनों बंदों को मार लेते और उसके बाद गाड़ी में बैठ के वापस बंदों के लिए चल देते। अब बंदों की तलाश काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है और जैसे मैं ये वाले रिस्क पाता हूँ मेरे को सामने बंदे स्पॉट होते हैं। मेरे को लगता पहले है कि दो बंदे, लेकिन एक्चुअली मेरे सामने चार बंदे रहते हैं और मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं रहता। ये नोकते थे मैं गाड़ी में बैठ के भाई इन पे रस कर दे रहा, क्योंकि मुझे लगता है सामने दो ही बंदे हैं। अब यहाँ पर मैं वापस जाके एक नॉक तो देता, लेकिन अगर मैं थोड़ा पहले एक और बंदे को नॉक देता तो शायद भाई मैं फाइट ले लेता, लेकिन अब भाई मैं चार बंदे से पहले फाइट तो नहीं लेने वाला, तो इसलिए मैं यहाँ पर पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पर भाई आराम से कैंपिंग करना चालू कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे बंदे को स्प्रे देने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन आखिर में भाई मेरे से स्प्रे तो होता ही नहीं है। अब ये बंदा पता नहीं क्यों मेरे पे अकेले क्लोज कर था, और अगर कोई बंदा ऐसे करेगा तो मैं डायरेक्ट इसे नॉक फ्री देता, और इसको नॉक फ्री देने के बाद मेरी गाड़ी की हालत बहुत बेकार हो चुकी रहती है, तो मैं ऑन फुट सामने साइड रिच का कवर लेने के लिए निकल जाता हूँ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये बंदे को मैं ट्रोल नहीं कर रहा था, मतलब एमओ यहाँ पर मैं वेस्ट नहीं कर सकता था ये बंदे पे, क्योंकि कभी भी भाई सामने साइड से रस आ सकता है इसके दोनों बंदों का। और जैसा मेरे को लग रहा था वैसा ही कुछ होता और सामने से भाई दोनों बंदों का साथ में स्प्रे आ जाता और यहाँ पे मैं बचा दिया जाता। तो भैया आप चलते हैं दूसरे गेम प्ले में, ये वाले गेम प्ले की अगर बात किया तो भैया ये वाले गेम प्ले में हम खुद रहते ओल्ड बेसिन, और ओल्ड बेसिन में एक बॉट का एक बंदा तक नहीं आता, और अगर कोई नहीं आया ओल्ड बेसिन तो हम ओल्ड बेसिन से गाड़ी उठा के प्रोमोन्ट्री के लिए निकल जाते, और प्रोमोन्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं। दो तीन नॉक देके चलते आ गए, रस करेगा कैंपर है, ब्लू हाउस वालों को पहले देते हैं, मैं तो कहता आ जाओ। बस सच में कैंपर है कहाँ पे, छत पे ना, सच्ची कूद गए तो नीचे कूदा नो, भाग भी गया भाई घोड़ा है, चार्ज तो अपन ने क्लियर किया ही है। हाँ बॉटेक्स बहुत गंदे लोग हैं बॉटेक्स। बॉटेक्स एक को तो लपेटना ही पड़ेगा बॉटेक्स।
हाई होलो नहीं चल रहा था। अबे कहाँ से पेल रहा, इसके एंगल्स अलग जगह से बन रहे भाई, अपने एरिया का नहीं है भाई। लो हो गया भाई, गलत दरवाजा खोल। ओए अनु भाई खोल, बंद कर, ठीक है बच जाऊंगा मैं। फर्स्ट एड है तेरे पे? हाँ दूसरी बार भी जा। एक हफ्ते से इतना अच्छा पैड बनाया, मेरे डब्बे से ले ले हीलिंग, डब्बे में हीलिंग क्या होगी। अब यहाँ पे बॉटिक्स भैया मेरे बेट बनते और मैं उनके बेट के चक्कर में ये सब बंदों को मार लेता, और अब ये सबको मारने के बाद मैं यहाँ पे जोश में आ जाता कि भाई अच्छा खासा कंटेंट बन सकता, और जो जोश में गाड़ी में बैठ के बंदों को ले निकल जाता। तेरे को अपना धर्म रेस्ट करवाना है, ओके जैसा आपका हो। मेरे को वो अंडा खा के नॉन वेज वाले लोग बहुत बेकार लगते हो पता भाई। अंडा खा रहे हो तुम, मुर्गे के बच्चे को खा गए, भले ही वो बच्चा हो नहीं सकता था कभी। मैं खुद को वेज नहीं बोलता हूँ, अंडा खाने वाला वेज बोलते हैं। नहीं ओपी ने लेजर स्प्रे, ये दोनों ड्रॉप वाले को लेना, तू अभी ड्रॉप वाले को लेना। मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा किल मैटर करता। साइकोलॉजिकल प्रो यार, ये बॉट क्यों आते गेम में, नहीं चाहिए हमें किल्स फ्री वाले। चाहिए वैसे ये हेडशॉट, ये ना ऐसे हेडशॉट मारे भाई, कितना फट्टू बंदे है। मेरा नहीं गया इतना टच कर, अच्छा तेरे गाड़ी को दे दे मैं हगा नहीं बार। नीचे बैठ ओ, मैं पहले बोल दिया होता थोड़े तेरे को नहीं समझ रहा, नहीं समझ आता मेरे को ये सब चीज़ें। तो भैया आज के गेमप्ले में होते कुछ खास किल्स नहीं है, क्योंकि आज मेरे को सिर्फ बताना था कि बीजेएमआई लाइट को लोग कैसे ला सकते हैं हम इंडिया में, और यही चीज़ बताने के लिए आज का वीडियो बना था मेन, और वो चीज़ तो हो गई। तो भैया कल मिलते हैं एक और नए गेमप्ले वीडियो के साथ जो कि अच्छा सा गेमप्ले होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मैं सुनाऊं शुभ रात्रि।